इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल पता है क्या डालूंगा? लॉस्ट ऑल माय गेन्स फुल, जो कि सच नहीं है। Not sponsored. What is up, guys? Welcome back. 2024 की शुरुआत इतनी ज़्यादा ठीक है, ये हाथ चुकंदर की वजह से लाल है, इतनी ज़्यादा टट्टी हुई है ना भाई। पहले ही दिन बुखार हो गया मेरे को और वो अगले 3 दिन तक उतरा ही नहीं, मेडिकेशन लेने के बाद भी नहीं उतर रहा था वो बुखार, और उससे अगले 3 दिन मेरे को वीकनेस रही। मतलब 6 दिन तो मेरे बिल्कुल ही खराब गए 2024 के। मैं ट्रेन भी नहीं कर पा रहा था, और ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था तो बार बार ब्लैकआउट हो रहा था और वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने प्रॉपरली ट्रेन नहीं करा, ना मैंने प्रॉपरली डाइट ली इन 6-7 दिनों से, ना मेरा प्रोटीन गोल हिट करा मैंने। मैंने बस नॉर्मल फूड खाया और जितना मेरे से खाया गया उतना ही खाया मैंने। अब आज 7वां दिन है और आज भी मेरी एपेटाइट पूरी तरीके से वापस नहीं आई है। आज भी मैंने जो सुबह खाया था वो अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि पेट में ही पड़ा हुआ, मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो। अभी मैं अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक पी रहा हूँ, चुकंदर का जूस, इसको पीने के 2 घंटे बाद जिम चलेंगे। और आज ट्राई करूँगा कि एक फुल फ्लेज बैक डे करूँ मैं, पुल डे करूँ मैं। आज बैक और बाइसेप ट्रेन करने का ट्राई करेंगे और आज पूरी भाई जान लगा दूँगा, बहुत दिन से अच्छे से ट्रेन नहीं कराया मैंने। जितना हो सकेगा उतना हैवी जाने की कोशिश करूँगा मैं आज। मिलते हैं भाई सीधा जिम में। एक तो इतनी ठंड हो रही है ना, और ठंड में मैं वार्म अप करने के लिए ट्रेडमिल का यूज़ करता हूँ। 10 मिनट मैं ट्रेडमिल पर वॉक कर लेता हूँ, ब्रिस्क वॉक कर लेता हूँ, उससे मेरा वार्म अप हो जाता है। पर ये बात मैं भूल गया था और मैं चप्पल पहन के आ गया। आप चप्पल में ट्रेडमिल तो कर नहीं सकते, तो ऐसे ही कोई सस्ता सा वार्म अप करते हैं, फिर शुरू करते हैं बैक। आज के बैक डे में ना मैं 3 बैक की मूवमेंट करूँगा, जिसमें से 2 हॉरिजॉन्टल पुल होंगे और 1 वर्टिकल पुल होगा। पुलअप्स को मैं काउंट नहीं कर रहा, इसको एज अ वार्म अप ही काउंट कर रहा हूँ मैं। इसके बाद होगी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट मूवमेंट मेरी है बैक के लिए, ये चेस्ट सपोर्टेड लो टू हाई रोज। अब पहले मैं क्या करता था, इसको सिंगल सिंगल करता था। सिंगल सिंगल करने से क्या होता था, मेरे लैट्स पर ज्यादा फोकस आता था। अब मैं इसको दोनों एक साथ करता हूँ। अब दोनों एक साथ करने से क्या होता है, मेरी अपर बैक पूरी कवर हो जाती है, स्पेशली मेरे ट्रैप्स। मेरे को अलग से अपने ट्रैप्स हिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यही एक्सरसाइज उसे कवर कर लेती है। इसलिए अब मैं इसको दोनों को एक साथ करता हूँ। और अभी मैं एक सेट तो लगा चुका हूँ, एक वर्किंग सेट मेरा हो चुका है, सेकंड वर्किंग सेट है। 25-25 की दोनों प्लेट है ये, और 50-50 किलो दोनों तरफ है। फेलियर करता हूँ मैं सारे सेट, ये भी फेलियर ही होगा। जब मैं इस मूवमेंट को सिंगल सिंगल आपके साथ करता था ना, तो मेरे को 60-65 किलो एक तरफ भी लाइट लगता था। मतलब मैं 15-20 रेप उससे भी निकाल देता था, पर अब मैं 50-50 किलो से कर रहा हूँ और वो भी मेरे को हैवी लग रहा है। क्योंकि मेरी मसल बिल्कुल चेंज हो गई है, पहले मेरे लैट्स ज़्यादा उठाते थे, अब मेरे ट्रैप्स ज़्यादा लोड उठा रहे हैं, इसलिए भी। मैं ना कभी भी फर्स्ट एक्सरसाइज में
ड्रॉप सेट नहीं करता क्योंकि उसी में सारी एनर्जी चली जाती है, बाकी के बाद में। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं कभी भी ड्रॉप इसलिए नहीं लेता क्योंकि फिर मेरी बाकी की एक्सरसाइज उससे इफेक्ट होती है, बाकी की एक्सरसाइज में मैं अपना 100% नहीं दे पाता, इसलिए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेता। सेकंड मूवमेंट है मेरी बैक के लिए चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोज, जो मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ और मुझे लगता है मैं सारी ज़िंदगी करूँगा क्योंकि मेरे को बेस्ट एक्सरसाइज लगती है बैक के लिए। एक सेट में ऑलरेडी कर चुका हूँ, सेकंड सेट है मेरा, सारे सेट मेरे फेलियर हो गए। जब से बीमार हुआ ना मेरे को बहुत ज़्यादा लीन फील हो रहा है, मैंने बॉडी भी नहीं देखी अपनी एक हफ्ते से कैसी है कैसी नहीं है, आज देखूँगा। वापस से जैकेट पहन लेता हूँ क्योंकि ठंड लग रही है, और अब ऊपर वाले फ्लोर पे चलना है लैट पुल डाउन करने, और ऊपर वाले फ्लोर पर थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा रहती है क्योंकि वो थोड़ा खुला खुला है, यही दिक्कत है सर्दियों की भाई। मेरे को नहीं पसंद सर्दियाँ, पता नहीं किन लोगों को पसंद होती है, गर्मियाँ भाई बेस्ट होती है, पंप बढ़िया आता है, वर्कआउट अच्छे होते हैं, सर्दियों में ठंडी तो लगती रहती है, 24 घंटे घुसे रहो बस बिस्तरों में, ऊपर से पानी पियो तो सूसू इतना आता है, आधा घंटा हुआ है मेरे को जिम आया और 5 बार सूसू कर चुका हूँ मैं, और पानी मैंने सिर्फ इतना सा पिया। जब भी मैं अपनी बैक करता हूँ ना, रुक जाओ पहले पट्टे फंसा लो मैं बताता हूँ, जब भी मैं अपनी बैक करता हूँ ना तो दो पार्ट में डिवाइड होती है मेरी बैक, मतलब 2 दिन अलग अलग करता हूँ, 1 दिन 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल और 1 दिन 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, और जिस दिन मैं 2 हॉरिजॉन्टल करता हूँ वर्टिकल के मैं 4 सेट मारता हूँ, और जिस दिन 2 वर्टिकल करता हूँ तो उस दिन हॉरिजॉन्टल के मैं 4 सेट मारता हूँ, तो आज 2 हॉरिजॉन्टल करी तो 1 वर्टिकल ये लैट पुल डाउन कर रहा हूँ तो इसके 4 सेट करूँगा, बाकी के 3 दिन घोड़े खुल गए भाई मेरे दूसरे सेट में, तो दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस है वर्कआउट में, हम इसके भी 3 ही सेट करेंगे। पहले सोचा था 4 मारूंगा, कितनी चौड़ में बताया था, पर दो ने हालत ख़राब कर दी और इसलिए एक और बस। कम ऑन एक बात बताना मेरे को कि मैं सिर्फ अकेला होंगे ये हरकत करने वाला, कि अगर जब जिम खाली हो, पर जिम में ऐसी हरकत नहीं करता, जिम खाली हो तो ऐसे कोई भी रैंडम वर्ड चिल्ला देना, ऐसी बुरी बुरी आवाज़ निकालना, ऐसे कम ऑन एकदम से कर देना, बताना मेरे को ज़रूर, मेरे को लगता है मैं अकेला ही हूँ। Yeah.
चार सेट लगेंगे इसके भी, क्योंकि मामा रेज द सोल्जर, नॉट अ बिच, नॉट अ बिच, और ड्रॉप भी लगाऊंगा मैं पंप घर जगह के घर। अब मैं पंप चैन से ही करा लो, पहले गली में चैन से ही कराने वाला है। और एक और आ गया, एक कंपटीशन लड़ाई होगी क्या इनकी, देखूं देखते हैं भिड़ेंगे गए दोनों आपस में, दोनों चेन सही कराने वाले हैं। सर फोड़ दो अंकल, वो देख रहा। बहुत बकचोदी होगी भाई, घर चलो पंप खत्म हो जाएगा, घर जाके पंप दिखा दो, यहाँ पे ठंड बहुत है यार, वैसे तो घर पे भी ठंड है पर घर जाके दिखा दूँगा कि लाइट भी अच्छी है। चलते हैं घर। लो भाई देख लो, बॉडी। इस वीडियो का थंबनेल नहीं टाइटल पता है क्या डालूंगा, लॉस्ट ऑल माय। इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल पता है क्या डालूंगा, लॉस्ट ऑल माय गेन्स फुल, जो कि सच नहीं है। ओ भाई लीन हो गया मैं तो, किसी को लीन हो ना बुखार करवा लो अपने एक हफ्ता। मम्मी ने देख लिया ना अंदर से कि मैं ऐसे चौक में नंगा खड़ा हूँ, चिल्लाएंगी क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है कि मैं इसी वजह से बीमार हूँ। लॉस्ट जीरो गेन्स इन वन वीक बिना डाइट के। मैटर हो गया गाइस, पोस्ट वर्कआउट मील में कुछ नहीं है खाने को, एक प्रोटीन बार पेल देंगे, 20 ग्राम प्रोटीन और 250 के आसपास कैलोरीज। 250 कितनी है, 295 भाई। नॉट स्पॉन्सर्ड पर अगर आपको स्निकर बार पसंद है ना, ये ज़रूर ट्राई करना है, पीनट बटर बार करके मैक्स प्रोटीन, बहुत सारी खा चुका मैं, बीमारी में यही खाई है मैंने प्रोटीन पूरा करने के लिए। वैसे तो हुआ भी नहीं प्रोटीन पूरा, 50-60 इतना ही हुआ है, पर जो भी हुआ है इससे और प्रोटीन पाउडर से करा है मैंने। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लास्ट सेट है मेरा ये, और मैंने वेट भी बढ़ा दिया है क्योंकि ऐसी सेक्सी लग रहा है। फोर्थ सेट है।